तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का क्लास 6 चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज नंबर 12.1 सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, फिर अगली वीडियो में मैं इसका आपको सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगा। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा चुका हूँ। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। एक क्लास में 20 गर्ल्स है और 15 बॉयज हैं। इसका ए पार्ट कहता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, कि क्या रेशियो होएगा गर्ल्स से लेके नंबर ऑफ बॉयज तक का। बी पार्ट कहता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। तो दोस्तों, क्या रेशियो होएगा क्लास की गर्ल्स से लेके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास का। तो दोस्तों, 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35, ये आपको भी पता होगा, दोस्तों सभी को पता हुआ है। तो दोस्तों, मेरे को पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन 35 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सॉल्यूशन नोटबुक ये है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास। तो दोस्तों, क्लास में गर्ल्स है, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना। तो दोस्तों, 20 गर्ल्स है क्लास में, इन अ, दोस्तों क्वेश्चन में पढ़ा था 15 बॉयज से क्लास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो दोस्तों, 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35, 20 प्लस 15, 35। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं इसका, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। तो दोस्तों, नंबर ऑफ गर्ल्स है 20, ठीक है, तो हम 20 लिखेंगे न्यूमिरेटर में और अपॉन में नंबर ऑफ, कित क्या ये नंबर ऑफ हमने गर्ल्स लिख दिया, और अब नंबर ऑफ बॉयज का हम लिखेंगे 15। तो दोस्तों, सिंप्लीफाई करना आपको आता आएगा, रेशियो में सबसे पहले यही आता है सिंप्लीफाई करना। तो दोस्तों, 5 की डबल से काटेंगे, 5 4 20, 5 3 15। तो दोस्तों, आपको कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो दोस्तों, आपको पहले टेबल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो दोस्तों, 4/3 इसका आंसर है, या 4:3 भी इसका आंसर है, इस पार्ट का आंसर है 4:3।